धसी हुई सड़कें, क्षतिग्रस्त कारें, उखड़े हुए पेड़, पानी में चलती गाड़ियां, तबाह हुए घर, हर तरफ पानी ही पानी और भारी बारिश के बीच मलबा हटाते बचाव कर्मी। ये तबाही की तस्वीरें हैं ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो की, जहां मूसलाधार बारिश से बड़ी तबाही मची है। हालात इतने खराब हैं कि बारिश की वजह से शहर समुद्र में तब्दील हो गया है और पानी के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। बारिश से सैकड़ों घरों, गाड़ियों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर सड़कें धस गई हैं, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। इस भयंकर बारिश में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। उसका किताब aqui parado, entendeu? A água foi juntando e trazendo aqui para baixo, foi uma poeira de carro aqui, quebrou tudo, entendeu? बारिश ने रियो शहर में कितनी तबाही मचाई है, इस बुजुर्ग महिला के घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। घर के अंदर से ही तेज बहाव के साथ पानी बाहर आ रहा है और महिला अपने बर्बाद घर के सामानों को सहेजने में जुटी है। समुद्र किनारे बसे इस शहर में बारिश तो आम बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर आई बारिश ने प्रशासन की तैयारी की पोल खोल दी है। खुद रियो शहर के मेयर ने स्वीकार किया है कि प्रशासन की तैयारियां ठीक नहीं थी और अभी भी रियो शहर संकट में घिरा हुआ है। हालांकि राहत की बात ये है कि बारिश धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से राहत और बचाव काम तेजी से हो रहा है।